हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास का 18वां चैप्टर अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपशिष्ट जल क्या होता है, उसके बाद कि ये जो जल है कहाँ बहता है, ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल, ये हमारे लिए काम का है या नहीं काम का, इसके बाद इससे साफ जल कैसे निकालेंगे, इसको कैसे इसको छानेंगे वगैरह, ये जो प्रक्रिया जो होती है ये किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस आई है, ठीक है। तो सबसे पहले आई है अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल क्या होता है कि उपयोग के बाद बचा हुआ जल या फिर उपयोग के बाद बचा हुआ प्रदूषित जल क्या कहलाता है, अपशिष्ट जल। मान लीजिए कि जल है, हमने उसका उपयोग किया कैसे, कि बर्तन धोते हैं तो जल साफ जल से बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने के बाद जो पानी जो बच जाता है, जो सिंक में से होके, जो पाइपों में से होके, जो नाली में जाता है, वो क्या हम यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते। उसमें क्या होता है कि जब साफ़ करते हैं जब बर्तन, तो जूठन वगैरह होते हैं जो प्रदूषित हो जाता है वो जल, इस कारण से उसको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाहित मल। वाहित मल यानी बहने वाला, वाहित का मतलब बहना, बहना मल ये किसे कहते हैं, वाहित मल का मतलब होता है नालियों में बहता हुआ जल जिसमें घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी जो अपशिष्ट जल जो नालियों के अंदर बहता रहता है, जो घरों में से भी निकलता है, इसके अलावा उद्योगों में से, कारखानों में से भी जो जल निकलता है वो जो नदियों में बहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाहित मल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीवर। सीवर क्या होती है, एक व्यवस्था की होती है, किन की, पाइपों वगैरह की। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि नालियों तथा पाइपों को जोड़कर मल विसर्जन के लिए एक क्या किया जाता है कि जो पाइपें होती है और जो नालियाँ होती हैं, यानी घरों में से जो पाइपें निकाली जाती है जिसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ पानी जो है अपशिष्ट जल निकल कर नालियों तक पहुंचता है, उसके बाद ये जो नालियाँ होती है ये क्या किया जाता है, इनकी व्यवस्था बनाई जाती है ताकि ये जो अपशिष्ट जो जल है वो एक जगह क्या हो, इकट्ठा हो। सभी घरों की जो पाइपें निकाल कर नाली में डाली जाती है, नालियों से छोटी नालियों से बड़ी नालियों तक, और उसके बाद में इन्हें ये एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थ वैसे ही जैसे अपशिष्ट जल होता है, उपयोग के बाद बचा हुआ जल क्या हो जाएगा, अपशिष्ट जल। अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ जो उपयोग करने के बाद बच जाते हैं, उपयोग करने के बाद बच जाते हैं। जो मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हमने उसको यूज़ किया, उसके बाद उसकी वो उसमें से जो कुछ बचा जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे काम का नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है, अपशिष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपंक। अपंक क्या होता है, अपंक देखिएगा कि जब अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए टंकी में लाया जाता है, यानी जितना जो भी अपशिष्ट जल है उसको सारे को इकट्ठा करके एक टंकी में जब स्टोरेज टंकी के अंदर जब डाला जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो अपशिष्ट जो ठोस पदार्थ उसके अंदर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, उसके जो तली या उसके पैंदे में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो उस जमा हुए उस ठोस पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, अपंक। एक बार फिर देखिएगा कि जितना भी अपशिष्ट जल है उसको इकट्ठा करके एक टंकी में डाल दिया जाता है, एक टंकी में डालने के बाद उस जल के अंदर जितना भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ है वो उसकी तली में उसके पैंदे में बैठ जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, अपंक कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अवायवीय जीवाणु और वायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु कौन से होते हैं, वो जीवाणु जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अवायवीय जीवाणु कहते हैं। वायवीय जीवाणु कौन से होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी वो सांस लेते हैं तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे कुछ अपवाद होते हैं जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। इसका एक उदाहरण है यीस्ट। यीस्ट नामक जो बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
उन्हें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। और इस अपघटन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं। देखिएगा, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित या निम्नीकृत किया जाता है उन्हें क्या किया, उन्हें क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं। और ये अपघटित करते करके क्या कर देते हैं, हमारे लिए उपयोगी बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, बायोगैस। बायोगैस क्या होती है कि अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपंक को अपघटित करने पर एक ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है। अपंक हमने देखा था कि जब अपशिष्ट जल को एक टंकी के अंदर एकत्रित किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो ठोस पदार्थ होता है उसके तली में जम जाता है। उस ठोस पदार्थ को जब सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, अपघटित करते हैं, तो क्या होता है, एक गैस बनती है। ठीक है, उस गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और ये गैस कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, यानी ये आग भी पकड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, जल शोधन। जल शोधन क्या होता है, अपशिष्ट जल को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया, यानी अपशिष्ट जल को साफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल शोधन कहते हैं। अपशिष्ट जल को साफ करने की प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले अपशिष्ट जल को नालियों में जो जल आता है, घरों से जो जल निकल कर नालियों में जाता है, वहाँ से उस सभी जल को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके क्या किया जाता है, टंकी में डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, टंकी में डालने से पहले क्या किया जाता है, उसे छाना जाता है, यानी जो मोटा मोटा जो कचरा होता है, मोटा मोटा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो वहीं पे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद में उसे जब डाला जाता है टंकी में, उसके अंदर भी जो कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके नीचे तली में जम जाते हैं। फिर जो पानी होता है उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। इस प्रकार से जो अपशिष्ट जल है उसका उसको क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल शोधन कहते हैं। और जल को शुद्ध करने के लिए दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से, एक तो क्लोरीन और एक ओजोन। ये जो दो रसायन है ये किस काम में आते हैं, जल की शुद्धिकरण प्रक्रिया में काम आते हैं। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर। इसमें एक चीज़ और है कि जो जल दिवस जो मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसको शुरू कब किया गया था, जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया था। कब, 22 मार्च 2005 को शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया था, उन्होंने देखा था कि जो जल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो साफ जो जल है, जो अलवणीय जो जल है, वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी जिसे हम पी सकते हैं या फिर खाना बनाने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं उस जल को, वो बहुत ही कम है। बाकी तो जल बहुत है पृथ्वी पे, लेकिन हमारे लिए जो काम का जल है वो बहुत कम है। और लोग क्या कर रहे हैं कि जो जल को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक संगठन तैयार किया था, और उसके तहत 22 मार्च 2005 को उन्होंने क्या शुरू किया था कि लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया जाए। इसलिए उन्होंने ये दिन चुना था, और इसको हम आज भी क्या कर रहे हैं, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज। थैंक यू।